बड़ी संख्या में ग्रामीण एक शव को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। दरअसल जोजारघाट में रहने वाले भगवान दास पटेल किसी रिश्तेदार की शादी में सागर जिले के रहली गए हुए थे, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का शक जताया है। दरअसल रिश्तेदारों ने मौत हो जाने के बाद परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी और उनका पोस्टमार्टम करा दिया। परिजन आज सबको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुनः पोस्टमार्टम कराने एवं इसकी जांच कराने की मांग की। इस दौरान कार्यालय में बहुत देर तक जाम की स्थिति बनी रही। इसने ना सुपुर्द भी इनको नहीं है, भाई रिश्तेदार है जी। हम जब आने के पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आई और सीधी घर पे गए, घर पे लेके गए, घर पे लेके गए, कोई सुन नहीं रहा सर बात। हम वो तो उसने अच्छा काम किया, अब इसको तुम लोग जबरन पार्टी बना रहा हो। इसने थोड़ी इसको लाश सुपुर्द हुई, इसने लिखवाई है, ये चोटें आई हैं, फोन नंबर में इसने फोन किया, सब तो किया है। अब जांच होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी, जांच होगी। रिपोर्ट मिल जाएगी, दो चार दिन में मिल जाती है। पापा मर्डर हुआ था। कहाँ से कहाँ गए थे? बाबा जो गाँव से गए थे सैमरा पे, सैमरा शादी में। वहाँ गए रात के, हमारे फोन आया 2 बजे, पापा तबीयत ठीक नहीं, मुँह नहीं बोल रहे। हम गए वहाँ सुबह, पीछे बहुत निशान है, वहाँ पाँव में बहुत है निशान और घाव है, कान में बहुत है, पीछे करे घाव है, मारा है। कैसे मारा, क्या किया है? नीचे सरिया डाल दे, वो सरिया गुस्सा होएगा, गुस्सा मारा होगा। किन लोगों पर शक है आपको? वहीं के लोगों पर शक है, वो घटना जहाँ पर गए थे। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए? एस पी ऑफिस आए, वहाँ पर किसी ने सुनी नहीं है, मैडम कर दो, वहाँ की पुलिस ने भी नहीं सुनी ना। सरिया से क्या किया उन्होंने? नीचे मारा विंडो। दमो थाना क्षेत्र के अपना हिंडोरिया थाने की गांव है जुझार, उधर के भगवान दास पिता अच्छेलाल पटेल की डेड बॉडी थी। उनका मर कायम हुआ है सागर जिले में, सागर जिले में मर कायम होकर के इनको पोस्टमार्टम करके बॉडी रवाना की गई थी, परंतु शंका है कि कुछ शायद इसमें हत्या वगैरह हुई। तो इन्होंने हमसे निवेदन किया आकर के कि साहब इसकी अच्छे से जाँच हो जाए। हमने उनको आश्वस्त किया है, उनका आवेदन वगैरह लिया जा रहा है, तो इस पे हम सागर जिले को इनके सारे तथ्यों की जानकारी भेज करके जांच करवाएंगे। काफी आक्रोश में थे, उनका कहना था काफी गलत
अब उनका पारिवारिक विवाद है कि परिवार के उनके रिश्तेदार वगैरह जो जिनके यहाँ शादी में गए थे वो नहीं आए थे, इसलिए उनको थोड़ा सा रोष में थे वो कि उनको भी आना चाहिए था। सर कोई पुलिस वाला भी नहीं था तो पुलिस वाले के संबंध में भी मेरे संज्ञान में कुछ आई नहीं बात है। उधर से कोई ना कोई आया होगा एक साथ में, तो जो वहाँ से भेज करके जानकारी बुला ली जाएगी।